लगातार अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मी सरकार से फरियाद करते आए हैं, किंतु शिवराज सरकार आउटसोर्स कर्मियों को अपने भांजा भांजी न मानते हुए उन्हें अनदेखा करती है। निश्चित तौर पर कई घर ऐसे हैं जिनके भरण पोषण की जिम्मेदारी आउटसोर्स वाला मुखिया ही है और उसका पूरा कार्य एक शासकीय कर्मी जैसा है, किंतु वेतन मजदूरों की महीने की कमाई से भी कम है। यह बात शिवराज मामा नहीं समझे तो यदि गुना गणित लगाया जाए तो आगामी विधानसभा वर्तमान सरकार के हाथों से छिन सकती है। आउटसोर्स कर्मी व उनका परिवार इसी तारतम्य में नीला पार्क भोपाल में आउटसोर्सिंग कर्मियों के साथ छलवा बार बार मिलती सांत्वना का पैमाना छलक चुका है और पहुंच के भोपाल खोल दिया शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार नीलम पार्क में प्रदेश के सभी विभाग के 25 से 50 हजार तक आउटसोर्स कर्मचारी एकत्रित हो चुके हैं। वह लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे हैं। वह अपनी कई जायज मांगों को लेकर आखिरकार आउटसोर्सिंग कर्मी पहुंच ही गए मामा के द्वार। वह खोल दिए मोर्चा। अब देखना यह होगा कि भांजे भांजियों के लिए मामा मिलते हैं या नहीं, क्या होगा अंजाम इस धरने का, इस हड़ताल पर। रीवा जिले से बिंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे, प्रदेश सचिव सतीश चौबे, संगठन मंत्री दिलीप शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय तिवारी, मनगवा डीसी प्रभारी रविकांत, रोहित मिश्रा, आल डिपार्टमेंट के विपिन पांडे, रविकांत रघुनाथ और कम से कम 300 कर्मचारी शामिल हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षा योजना लागू किए हैं पूरे भारत देश में, वो है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो मध्य प्रदेश में हमारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे मुख्यमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने का संकल्प जो लागू किए हैं, वो संकल्प एक व्यावसायिक शिक्षक पूरे भारत मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में लगभग 10 साल से काम कर रहा है आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से, उनके साथ भी यही हाल है। वो बच्चे उन बच्चों को पढ़ाते हैं कि ताकि वो बच्चा 11वीं और 12वीं पास करके निकले तो उसके हाथ पे रोजगार आए और रोजगार आ जाता है, वो बेरोजगार नहीं घूमता है, लेकिन उसी का भविष्य सुरक्षित नहीं है जो उसको रोजगार के लायक बनाता है। ये कहीं ना कहीं मामा जी हमारे साथ और आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। हम तो आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो 52 जिले से माताएं बहने आई हैं, आपकी इसमें लाडली बहना भी शामिल है, जो लाडली बहना आपने लागू की है वो भी शामिल है, आयुष विभाग से आए हुए हैं, योग प्रशिक्षक आए हुए हैं, ऐसे योग प्रशिक्षक जो योग करके नियोग बनाया जाता है, बाबा रामदेव जी है जो वो पूरे भारत देश में योग का बहुत बड़ा वो करें कि योग करें निरोग होंगे, ऐसे प्रशिक्षक भी मेरे ख्याल से आउटसोर्स कर्मचारी है। तो मैं आग्रह करूंगा सभी भाइयों और बहनों, सभी जो आए हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कि सभी लोग मामा जी को बोले कि हम लोग नीलम पार्क में आए हुए हैं, हमारे लिए भी आप भगवान हो जाइए, हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद मेरे मित्रों।